Hello everyone, so in this video I'll be sharing the explanation of lesson number 7 naming words for belonging as well as lesson number 8 describing words. I'm making a combined video of these chapters because they are very small and very simple to understand. So this week we did 2 chapters of English grammar, and those who couldn't attend the class can just go through this video. Okay, so what is belonging? जब आपकी चीज़ कोई आपको बिलोंग करती है या किसी को कोई चीज़ बिलोंग करती है, कोई भी वस्तु, कोई, तो वो उनकी संपत्ति हो जाती है जो चीज़ सिर्फ उसी नेम को बिलोंग करती है, एक पर्टिकुलर नेमिंग वर्ड को. सो वी यूज़ अपोस्ट्रोफी एस आफ्टर अ नेमिंग वर्ड टू शो दैट समथिंग बिलोंग्स टू समवन. किसी व्यक्ति विशेष को ही जो चीज़ बिलोंग करती है उसको शो करने के लिए हम क्या लगाते हैं, अपोस्ट्रोफी एस. फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक बिलोंग्स टू जॉन, जॉन्स बुक इज फनी. सो यहाँ पे जॉन के नेम के बाद अपोस्ट्रोफी एस लगा है, जॉन की या जॉन का. अगर कोई चीज़ मैस्कुलिन या जेंडर है तो उसके लिए की का जैसे हम यूज करते हैं, सो उसके लिए ही, बुक के लिए हम ये यूज करते हैं अपोस्ट्रोफी एस, जॉन्स बुक. सो दिस इज ऑल. इसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस आपके हैं. एक तो ये है, जैसे सेंटेंस में फर्स्ट आपका नेम दिया हुआ है तब उस नेम के आगे अपोस्ट्रोफी एस लगाना है. सेकंड टाइप है आपका जिसमें ब्रैकेट में आपका नेम दिया हुआ है, कोई भी नेमिंग वर्ड, और उसको कैसे यूज़ करना है अपोस्ट्रोफी एस के साथ, वो है फिलिंग द ब्लैंक्स की फॉर्म में. एंड देन दिस इज दिस, एंड इसमें सेंटेंसेस दिए हुए हैं आपको, एंड उसको आपने कैसे आप उसको अपोस्ट्रोफी एस यूज़ करके लिखेंगे वो बताया गया है. सो फॉर दैट, दैट ही यूज़ होता है. दैट इज़ जब वन चीज़ की बात हो रही है, सिंगुलर चीज़ की बात हो रही है, तब आप इज़ यूज़ करेंगे. दिस इज़ जो चीज़ें पास होती हैं उनके लिए दिस यूज़ होता है, जो चीज़ें दूर होती हैं उनके लिए दैट यूज़ होता है. एंड जो चीज़ें मोर देन वन है, जैसे यहाँ पे है द टॉयज़, तो उसके लिए क्या होगा, दीज आर यूज़ होगा. दीज आर बॉब्स टॉयज़, द टॉयज़ बिलोंग टू बॉब, दीज आर बॉब्स टॉयज़. सो हेयर फॉर मोर देन वन, फॉर प्लूरल फॉर्म यू ऑलवेज यूज़ आर विद दीज, दिस का आर बन जाता है, देन यू डोंट यूज़ दिस. Okay, so it completes this chapter, and then there is describing word. Describing word is again very easy. इसमें कुछ भी नहीं है. जो भी naming word, कोई particular naming word होता है, noun होता है, या आपका pronoun होता है, pronouns आपने अभी तक किए नहीं हैं, जैसे I, she, he, it, so they are pronouns. But you haven't done them. So we are not taking pronouns, we are only taking naming words. So whatever describes the naming word, describing words tell us the more about the naming words. जो भी naming words है, जैसे ये एक animal है stag, तो इसके अगर मैं color इसको brown करती हूँ तो I will write here brown, अगर मैं black करती हूँ I will write here brown, black. So that's how we are taking. And all these words in bold, like sunny, beautiful, square, shapes, and your large, big, small, hot, cold, all these types describe a naming word. So all these things comes in your naming word. So isme kis tarah ke questions hain aapke, ek to aapka hai ye fill up form mein aa gaya, fir uske baad humne ye wala question kiya tha jisme aapne, fill up form easy hai, aapko helping words jo hain help box diya hua hai, usme se aapko chun ke jo suitable hai wahi aapko use karna hai. एंड ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें हमने क्या किया था, डिस्क्राइबिंग वर्ड एंड नेमिंग वर्ड दोनों को अलग अलग करके लिखना है फ्रॉम दीज सेंटेंसेस. ओके, सो दीज सेंटेंसेस हैव नेमिंग वर्ड आल्सो एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड. और एक इस इट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वाज दैट कि एक सेंटेंस में 2 डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी हो सकते हैं एंड 2 नेमिंग वर्ड्स भी हमने लिखे हैं. लाइक फॉर लॉन्ग, लार्ज. लॉन्ग इज़ फॉर ट्रंक, ट्रंक इज सूंड, जो हाथी की सूंड होती है, और लार्ज इज़ फॉर इट्स ईयर्स. सो दैट्स हाउ यू कैन बी आस्क्ड
इन टू वेज फॉर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एंड देन इज़ योर पैराग्राफ फॉर्म. आपको एक शॉर्ट स्टोरी यहाँ पे दी हुई है. दिस वॉज गिवन इन होमवर्क सो आई विल बी शेयरिंग द आंसर की बट यू हैव टू ट्राई इट योर सेल्फ. दिस इज़ अ शॉर्ट स्टोरी देन यू हैव टू सर्कल द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. प्लीज चिल्ड्रन अंडरस्टैंड लाइक हियर नॉइजीली एंड लाउडली दे आर नॉट योर adjectives, they are not describing words, they are your adverbs. So please don't go for it. इनको noisy अगर हम use करते हैं या loud अगर use करते हैं तो वो describing words हो सकते हैं, but noisily and loudly are not your describing words. Okay, so make sure. And that's all for these two chapters. They are very small, they are very simple to understand. I hope there was not any problem in solving. Thank you very much.